हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो पीवाई की सीरीज स्टार्ट किया था सीईटी पीजी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दो पार्ट्स की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें पार्ट नंबर वन में 2022 के जो क्वेश्चन आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनको डिस्कस किया था। फिर 2021 के जो क्वेश्चन आए थे पार्ट नंबर टू के वीडियो में डिस्कस किया था। टोटल 15 क्वेश्चन आए थे 2021 में, और 2022 में टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे। तो 2022 के अभी सारे क्वेश्चंस नहीं हुए थे, और ना ही 2021 और 2022, तो कुछ क्वेश्चंस बचे थे। वो सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम यहाँ पे कवर कराएंगे। तो लास्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन मैंने कराए थे 2021 के एग्जाम में जो आए थे। रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बचे थे, वो आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेसिक्स क्लियर करने, तो मेरे सेकेंड चैनल पे डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स के ऊपर कुछ लेक्चर्स पढ़े, टोटल 7 लेक्चर्स हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, ठीक है। वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, विद वेरिएबल कॉन्स्टेंट, विद कॉफिशियंट, विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट, ये सारे के सारे मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराए, क्वेश्चन भी वहाँ पे कराए हैं, और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके सीईटी पीजी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हमारे सारे लेटेस्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, और आज का वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आज के इस पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 13 है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये जो है आपका 2021 और 2022 दोनों एग्जाम्स में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है, बट चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे है, और आईबीपी का प्रॉब्लम एक आया था, लास्ट ईयर भी आया था 2022 लास्ट वीडियो में जो हमने कवर कराया था। तो 2021 में भी पूछा गया था, बट वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन अलग थी, ठीक है। वो थी एक कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट की, ये हमारे पास वेरिएबल कॉफिशियंट, ठीक है। और जब भी वेरिएबल कॉफिशियंट की आएगी तो ये कौची वाले डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो इसमें हम देखिए क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसके साथ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है तो एक्स आएगा, थर्ड ऑर्डर है तो एक्स क्यूब आएगा, फोर्थ ऑर्डर है तो एक्स की पावर 4 आएगा, ठीक है। nth ऑर्डर है तो एक्स की पावर n आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड ऑर्डर के साथ केवल एक्स लिखा है, तब उस केस में तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौची वाले नहीं होगी। बट अदरवाइज अगर ऐसी दिख रही है तो हमको क्या करना है, तो उसमें सब्सटीट्यूशन कुछ किया जाता है। पहला सब्सटीट्यूशन क्या होता है, एक्स को हम एज्यूम करेंगे एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड। अब ई की पावर जेड एज्यूम कर लिया तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग एक्स आ जाएगी, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, ये डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू बाई ओवर डी एक्स, इसको हमको क्या करना है, इसको भी रिप्लेस करना है। तो डी ओवर डी एक्स को रिप्लेस करेंगे थीटा से, डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे थीटा, थीटा माइनस वन से, ठीक है। रिप्लेस कर दीजिए तो इसमें एक्स स्क्वायर, सॉरी ये है x और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा थीटा माइनस वन, फिर माइनस फोर टाइम्स एक्स डी वाई डी ओवर डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये थीटा रखेंगे प्लस सिक्स रखेंगे, और बाई हमारे पास कॉमन आ जाएगा जो कि बाहर चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस फोर थीटा प्लस सिक्स बाई इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज। तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस फाइव थीटा प्लस सिक्स, ठीक है, बाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आरएचएस पार्ट तो जीरो है, जब आरएचएस पार्ट जीरो होता है तो पीआई तो निकलता नहीं, केवल सीएफ निकलेगा। तो सीएफ जैसे निकालते हैं वैसे सीएफ निकालेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीएफ निकालेंगे तो कुछ यहाँ पर चेंजेस आ जाएगा, नो, देयर विल बी नो चेंज। बस सीएफ के लिए क्या करेंगे, एम को रिप्लेस करते हैं, ऑक्जिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, ऑक्जिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एम की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक टू आएगा एक थ्री आएगा, ठीक है। टू और थ्री हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आएंगी। तो यहाँ पे सीएफ क्या हो जाएगा, सीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा सी वन ई की पावर टू। अब देखिए x को तो हमने रिप्लेस कर दिया की पावर z, तो ये अब 2x की जगह क्या होगा, 2z होगा, ठीक है, प्लस c2 e की पावर 3z, और यही हमारे पास बाई सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा रिप्लेस कर दीजिए, e की पावर 2z, e की पावर z किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो e की पावर 2z किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल। तो ये c1 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस
ये हो जाएगा सी टू ई की पावर 3z, क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, वापस से रिप्लेस करने पे। तो अब हमारे पास आई वी की पहली कंडीशन क्या है, बाई टू इजिकल टू जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे एट बाई टू इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या लेना है, एक्स की वैल्यू टू लेनी है, तो बाई की वैल्यू क्या आनी आएगी जीरो, तो रिप्लेस कर दीजिए, तो बाई की वैल्यू जीरो हो गई और x की वैल्यू हमको 2 लेनी है, 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, तो ये 4 सी वन हो जाएगा, और ये 2 टू जा 4 टू हो जा 8, तो ये हो जाएगा 8 सी टू। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन लगाइए बाई डैश, अब पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वन तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा 2x, तो 2 सी वन एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 सी टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बोल रहा है डेरिवेटिव में जब x इजिकल टू 2 लेंगे तो बाई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो सेकंड कंडीशन लगाइए एट बाई डैश x इजिकल टू 2 पे 4 आ रहा है, तो इट इम्प्लाइज, तो बाई डैश की वैल्यू तो 4 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 2 रखनी है, तो बाई 2 रख दीजिए, तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 4 सी वन, और इसमें रखेंगे x की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 6 सी टू, ठीक है, सॉरी x की जगह रखना ना, तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सी टू। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है, दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब हमको क्या करना है, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये 4 कर देंगे, ये 4 कर देंगे, ये 4 कर देंगे, तो सिंपली अभी इक्वेशन नंबर 2 को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी वन प्लस 3 सी टू, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सी वन की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे सी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी वन इजिकल टू माइनस 8 सी टू हो जाएगा, माइनस 8 सी टू हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 से डिवाइड होगा तो ये सिंपली माइनस 2 सी टू आएगा, ठीक है, क्या आएगा माइनस 2 सी टू, माइनस 2 सी टू आ गया, तो सी वन की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यू रखेंगे सी वन इजिकल टू माइनस 2 सी टू, तो 1 इजिकल टू माइनस 2 सी टू प्लस 3 सी टू, सिंपली हमारे पास क्या आ गया, सी टू की वैल्यू आ गई 1, सी टू की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब जब सी टू 1 है तो यहाँ से सी वन की वैल्यू क्या आएगी, सी वन इजिकल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब सी वन और सी टू दोनों की वैल्यूज आपके पास निकल के आ गई हैं, ठीक है। अब ये ओला बाई 4 की वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले बाई क्या निकल के आएगा, बाई इक्वल टू क्या था, सी वन ई की पावर सॉरी सी वन एक्स स्क्वायर, तो सी वन की जगह क्या आ जाएगा, सी वन की जगह आ जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है हमारे पास प्लस सी टू, सी टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी टू की वैल्यू 1, तो प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या किसकी पूछ रहा है, बाई 4 की, तो एट एक्स इजिकल टू 4, तो एक्स इजिकल टू 4 पे क्या आएगा, वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस 2, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 64 इजिकल टू 32, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 32 आई है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, देखिए काफ़ी इजी है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, फिर ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के एन की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको सिंपली सी वन और सी टू की वैल्यूज निकालनी है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालने के बाद सिंपली उस इक्वेशन में जो बोला एक्स की वैल्यू, उस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दो बार पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार 2024 में भी ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रिपीट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं यही रिपीट हो, कुछ अलग क्वेश्चन हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी एक तो पोलर के लिए होता है, एक कार्टेशियन के लिए होता है, ठीक है। जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो काफ़ी ईजी रहता है, dy ओवर dx को क्या रिप्लेस कर देना है, माइनस dx ओवर dy रिप्लेस कर देना है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। बट यहाँ पे पोलर सिस्टम है, तो पोलर के लिए क्या है, यहाँ पे dr ओवर d थीटा दे रखा है, तो dr ओवर d थीटा हम निकालेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे dr ओवर d थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे, फिर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर dr, बस इतना रिप्लेस करने के बाद फिर से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर फाइनली जो इक्वेशन निकल के आएगी भाई हमारे पास, उसकी कर्व को क्या बोल देंगे हम, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का।
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा है आर की पावर एन, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग आर की पावर एन इक्वल टू लॉग ए साइन एन थीटा, तो इट इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा, एन बाहर आ जाएगा तो एन लॉग आर हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ए हो जाएगा प्लस लॉग साइन एन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एन तो कांस्टेंट है, लॉग आर का क्या होगा, वन अपॉन आर, ठीक है, वन अपॉन आर, और ये हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू लॉग ए कांस्टेंट है तो थीटा के रिस्पेक्ट में वो तो जीरो हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन एन थीटा, और एन थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, ठीक, एन से एन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या बचा हमारे पास, वन ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन एन थीटा, ये तो लॉग के साथ वन अपॉन साइन एन थीटा चला गया, साइन एन थीटा का क्या होगा, यहाँ पे मैंने भूल गया, यहाँ पे होगा कॉस एन थीटा, साइन का क्या होगा, कॉस एन थीटा इन टू एन आएगा, तब ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर कॉस एन थीटा, ठीक। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, वन ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉट एन थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉट एन थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, थीटा वाला एक तरफ ले जाएंगे और डी आर वाले एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखिए कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा डी आर ओवर आर हो जाएगा इज इक्वल टू डी आर ओवर आर, और ये हो जाएगा कॉट एन थीटा डी थीटा, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग आर हो जाएगा, ठीक है, लॉग आर हो जाएगा और कॉट एन थीटा, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन फिर से, इसको हम एक और ट्रिक से कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कॉट एन को इधर ले आएंगे, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन एन थीटा, ठीक है, टैन एन थीटा अपॉन जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक बार रीचेक कर लूँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कैलकुलेशंस में, डी थीटा ओवर कॉट एन थीटा, डी थीटा ओवर कॉट एन थीटा, टैन एन थीटा, जस्ट अ वेट अ सेकेंड, हाँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा था, मैं फिर से इंटीग्रेट कर रहा था, तो सिंपली वही आ जाएगा जो हमने निकाला है, हमको क्या करना है, डी आर ओवर डी थीटा मिल गया, अब हमको ये रिप्लेस करना है क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए रिप्लेस कर दीजिए, तो वन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉट एन थीटा हो जाएगा, फिर ये आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू कॉट एन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस कॉट को इधर लाएंगे और डी आर आर को उधर भेज देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब कॉट डिनोमिनेटर में जाएगा ऊपर जाएगा टेन एन थीटा बन जाएगा, टेन एन थीटा डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर आर, ठीक है, इतना ही हमारे पास बनेगा। अब सिंपली हमको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ, दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एन थीटा क्या हो जाएगा, टेन का आपको पता है लॉग सेक होता है ना, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एन थीटा, ठीक है, लॉग सेक एन थीटा हो जाएगा, और एन थीटा का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये एन हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लॉग आर प्लस लॉग
सी डैश बोल दीजिए, ठीक है, लॉग सी डैश बोल दीजिए। हम सेकेंड थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस एंड थीटा कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लॉग वन अपॉन कॉस एंड थीटा ही की तो बोलते हैं सेकेंड थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस एंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस एंड थीटा की पावर माइनस वन अपॉन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा लॉग सी डैश माइनस लॉग आर हो जाएगा, ठीक है, माइनस की पावर बाहर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इम्प्लाइज माइनस लॉग कॉस एन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इस एन को उधर भेज देंगे या फिर इसको एन को यहीं पे रहने दीजिए अभी, तो ये हो जाएगा लॉग सी डैश माइनस लॉग आर, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एन थीटा, ये हमारा जो माइनस है माइनस साइन तो बाहर चला जाएगा, इज इक्वल टू, अब इस एन को उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स लॉग आर हो जाएगा माइनस एन टाइम्स लॉग सी डैश हो जाएगा, ठीक है, लॉग सी डैश हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग आर की पावर एन लिख सकते हैं माइनस लॉग सी डैश की पावर एन लिख सकते हैं, सी डैश की पावर एन को फिर से एक नया कांस्टेंट हम मान लेंगे, क्या हो जाएगा, लॉग सी, तो हो जाएगा लॉग कॉस एन थीटा इज इक्वल टू लॉग आर की पावर एन माइनस लॉग सी, ठीक है, सी या इसको बी मान लीजिए, हमने नया कांस्टेंट बी मान लिया, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एन थीटा इज इक्वल टू लॉग आर की पावर एन अपॉन बी हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल होगा तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू बी कॉस एन थीटा, तो आर एन इज इक्वल टू बी कॉस एन थीटा, ठीक है, लेट मी चेक वंस मोर, आर की पावर एन इज इक्वल टू बी कॉस एन थीटा, आर की पावर एन इज इक्वल टू बी कॉस एन थीटा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 आया था, और ये क्वेश्चन नंबर 14 कौन से ईयर में आया था, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये 2022 का क्वेश्चन हो गया है, और ये 2021 का था क्वेश्चन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया था, ठीक है, तो उसका सलूशन निकालना था। अब उसका सलूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस के जो सलूशन है उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिखा, ये 2022 के अंदर पूछा गया था, तो इसमें CF निकालना तो काफ़ी ईजी है, बस PI निकालने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो PI कैसे निकालेंगे, PI के लिए आपने जब BSc फर्स्ट ईयर में थे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक पार्ट था, ठीक है, पेपर था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ये पढ़ाया गया होगा हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, साइन हाइपरबोलिक एक्स का e^(x-e^-x)/2, कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता था, e^(x+e^-x)/2, तो इनका यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है, तो इनका यूज करेंगे तभी हम PI निकाल पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे आप, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लिख कैसे सकते हैं, d2/dx²-4y=x, ठीक है, अब साइन हाइपरबोलिक की जगह लग दीजिए e^(x-e^-x)/2, ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, x e^(x)/2 - x e^-x), ठीक है, e^(-x)/2, ठीक है, तो इतना मैंने यहाँ पे x को अंदर भेज दिया, ऐसा लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब यहाँ पे आइए CF, पहले CF निकालेंगे, फॉर CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m²-4=0, तो इट इम्प्लाइज m = +-2 आएगा, ठीक है, m की दो वैल्यू जाएंगी, तो CF क्या हो जाएगा, CF = c1e^(2x+c2e^-2x, ये तो CF निकल के आ गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, PI निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए फॉर PI के लिए हम क्या करेंगे, PI के लिए हम लिखेंगे, ये हो जाएगा x e की पावर
एक्स अपॉन टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ये हमारे पास डी स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा। इसको हम पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे, ई की पावर एक्स अपॉन टू टाइम्स डी स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू टाइम्स डी स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है जब ई की पावर एक्स इंटू बी टाइप का फंक्शन होता है, ई की पावर एक्स इंटू वी, तो हम क्या करेंगे ई की पावर एक्स को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है, और बाहर निकालेंगे फिर हम लास्ट में बी का पी आई निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ई की पावर एक्स को हम बाहर निकालेंगे तो ये बचा एक्स अपॉन टू टाइम्स, अब डी की जगह क्या हो जाएगा, ये होता है ई की पावर ए एक्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है डी प्लस ए में रिप्लेस हो जाता है, जो डी होता है वो डी प्लस ए से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो भाई हम करेंगे ए की वैल्यू वन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर माइनस फोर, ठीक, फिर माइनस यहाँ पर से ई की पावर माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टू टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास डी माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर माइनस फोर, ठीक। तो देखिए e की पावर x ये हो जाएगा x अपॉन, ये 2 है, 2 को बाहर ले लीजिए तो e की पावर x अपॉन 2 हो जाएगा, तो x अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2d माइनस 4, ठीक, माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन डी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन माइनस टू डी माइनस फोर, ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस टू डी, अब प्लस वन माइनस फोर की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस थ्री, ठीक है, तो प्लस वन और माइनस फोर की जगह लिख सकते हैं माइनस थ्री, माइनस थ्री, तो प्लस टू डी ये माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू डी और ये हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस टू डी माइनस थ्री, माइनस थ्री, ठीक। अब हमको पता है अब x के लिए pi कैसे निकालते हैं, ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो इसमें क्या करते हैं वन माइनस डी के फॉर्म में ले जाएंगे ऊपर इनवर्स में, फिर उसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे e की पावर x अपॉन टू और यहाँ से माइनस थ्री को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस थ्री को कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी अपॉन, ठीक है, टू डी अपॉन माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, माइनस थ्री हमने कॉमन लिया यहाँ पे, इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो वन अपॉन माइनस थ्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन माइनस डी स्क्वायर माइनस टू डी अपॉन माइनस थ्री, ठीक है, और ये इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने माइनस थ्री कॉमन लिया है, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड, माइनस थ्री कॉमन लिया है और यहाँ पे भी माइनस थ्री, तो ये डिनोमिनेटर में थ्री, डिनोमिनेटर में थ्री आ जाएगा वन माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक्स की पावर वन है, ठीक है, वन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हमको क्या चाहिए, केवल डी का टर्म चाहिए, इसके अलावा डी स्क्वायर डी क्यूब सब हम यहाँ पे क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे, तो केवल डी वाले टर्म में हम यहाँ पर ले करके चलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर थ्री और ये हो जाएगा वन माइनस टू डी अपॉन थ्री, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बना देगा तो प्लस टू डी अपॉन थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन टू और ये माइनस वन ओवर थ्री और ये वन माइनस माइनस प्लस बना देगा, ठीक है, प्लस और ये माइनस, तो माइनस टू डी अपॉन थ्री, बाकी के सारे टर्म यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस एक्स को हम अंदर भेजेंगे, जब हम अंदर भेजेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन टू, तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक,
वन अपॉन थ्री हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू बाई थ्री, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री कॉमन ले लिया, ठीक है, और माइनस वन बाई थ्री कॉमन लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x, या तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन थ्री, ठीक है, माइनस x, माइनस x e की पावर x अपॉन, और टू थ्री जाइए हो जाएगा सिक्स, ठीक है, टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस टू ई की पावर एक्स अपॉन थ्री, थ्री जा नाइन इंटू टू हो जाएगा, ठीक है, नाइन इंटू टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए माइनस 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 साइन ये प्लस का बना देगा, ठीक है, माइनस माइनस साइन ये प्लस बना देगा, तो ये जब प्लस बनेगा तो प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन थ्री, थ्री जा नाइन इंटू टू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने माइनस वन अपॉन सिक्स को कॉमन लिया, ठीक है, माइनस वन अपॉन सिक्स, और एक्स को भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस माइनस एक्स, फिर यहाँ से हम फिर से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस टू अपॉन नाइन इंटू टू, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, माइनस टू अपॉन नाइन अपॉन टू कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। एक बार मैं रीचेक कर लूँ कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस सिक्स, एक्स अपॉन माइनस सिक्स कॉमन लेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स आएगा, एक्स हाँ ठीक है, एक माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो गया। अब ये टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो माइनस वन अपॉन माइनस एक्स ओवर सिक्स हो जाएगा, ठीक है, e की पावर x माइनस e की पावर x, देखिए ये लिखा हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर x, इस 2 को उधर भेज देंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन नाइन, और ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक x, ठीक, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, माइनस 2x साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 6 माइनस 2 cos हाइपरबोलिक x अपॉन नाइन, ठीक है, माइनस टू बाई नाइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये माइनस टू एक्स अपॉन सिक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हमारे पास पी आई हो गया, ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ हमने निकाला है, देखिए यार, सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स, फिर माइनस टू एक्स साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सिक्स माइनस टू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन नाइन, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन, अब देखिए कितना टाइम इसमें लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन दे देते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, बट यही है कि ना कि क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। एक रॉन्सकियन का क्वेश्चन आया था, हालांकि है डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसका भी आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, और भी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी एक बार रीचेक कर लेता हूँ मैं। तो आप क्या कीजिए, इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन
लास्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कराए थे दो क्वेश्चन, आज हमने 2021 के लिए और जो पार्ट नंबर वन की वीडियो थे वहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैंने 2021 का लिया था। तो टोटल 14 आज हो गए कंप्लीट और एक पहले लिया था, 15 क्वेश्चन आए थे 2021 के अंदर, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन 2021 का ये है और 2022 के भी क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब बसता 2023, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की जब भी वीडियो आएगी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम 2023 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके सोल्यूशन क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ये आया है और ये रॉन्सकीन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, रॉन्सकीन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके पास और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बाय वन और बाय टू दो एलआई सॉल्यूशंस निकलेंगे, फिर एलआई सॉल्यूशन निकलेंगे, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बाई हाफ इजिकल टू जीरो, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो रॉन्सकीन की वैल्यू ये बता रहा ना ग्रेटर देन जीरो होगा इन क्लोज इंटरवल हाफ और वन के बीच में, तो भाई हाफ तो कंटेन कर रहा है और हाफ पे तो वैल्यू जीरो, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर जब भी हमको पता है इंटरवल में जीरो से वन में अगर ये जीरो दे रखा है रॉन्सकीन किसी भी वैल्यू पर, तो ये आइडेंटिकली जीरो होगा उस इंटरवल पर, यानी कि उस इंटरवल जीरो से वन के बीच में सारे रॉन्सकीन सारे पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू एक्स इजल टू जीरो होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन डी भी गलत है, लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं होता है, आइडेंटिकली ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको आज के क्वेश्चन में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 के सॉल्यूशंस। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।